अभी जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू हुआ तो गांवों में शहरों में एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर वो जागरूकता जन जन तक पहुंची और आज उसका परिणाम है कि हर घर पर कचरे की गाड़ी जाती है, कचरा कचरा पात्र में है, सूखा गीला अलग अलग करना। पर इसमें जो संस्थाएं काम कर रही है जैसे नगर निगम हो गए, नगर परिषद या नगर पालिका की बात करती हूँ, वो अपना काम कर रही है पर उसके साथ में जब जन जागरूकता की बात आती है या जनता तक वो भाव पहुंचे तो मुझे लगता है कि बच्चे इसके लिए सबसे अच्छे माध्यम है। जब बच्चे स्कूल एजुकेशन में पहले कक्षा में दूसरी कक्षा में अगर स्वच्छता का पाठ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के द्वारा पढ़ा हुआ पाठ उनके घर परिवार तक भी जाएगा। बच्चे आसपास में पार्क में खेलने के लिए जाएंगे तो भी वो उस डिसिप्लिन को उस अनुशासन का पालन करेंगे और साथ ही वो बताएंगे भी कि कोई भी अगर कचरा फैलाते हुए दिखा तो बच्चा वहाँ टोकता है तो बच्चे की बात बहुत गंभीरता से ली जाती है, मन से ली जाती है और बड़े भी फिर वो काम बच्चों के सामने नहीं करेंगे। तो इस भावना के साथ में किया गया क्योंकि लगातार अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 चल रहा है और इसमें नगर निगम के तमाम जो है हमारे स्वच्छता योद्धा है वो और हर घर घर तक कचरे की गाड़ी पहुंचाई जा रही है। स्वच्छता योद्धा भी जितनी संख्या में हमारे पास में उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है उसके बाद भी शहर की अगर अच्छी एक रैंक आनी चाहिए वो रैंक क्यों नहीं आ पाती है।